महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश हम आमंत्रित करते हैं, वो आए और मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ बुलाएं। देखिए, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। कुछ पूना में सूट होगी, कोई भोपाल में सूट होगी, कोई इंदौर में सूट होगी। ये अपना देश है, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। जो देशवासी को जहाँ सूट करे वहां आए, विदेश से भी लाने की कोशिश करें। मैं तो ये चाहता हूँ कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो राज्यों में, कि अपने अपने राज्यों में हम निवेश के लिए अतिरिक्त प्रयास करें, तो यहाँ भी आएंगे, वहां भी आएंगे और कुल मिला के हमारा देश आगे बढ़ेगा। एक सिम्बॉयसिस यूनिवर्सिटी का भी, जो हमारे यहाँ वोकेशनल यूनिवर्सिटी है, उनके भी प्रपोजल्स आए हैं कि वो इंडस्ट्री जो मध्य प्रदेश में आ रही है उसके साथ टाई अप करके उस इंडस्ट्री में जैसे स्किल्ड मैन पावर लगेगी उनको वो तैयार करेंगे, ताकि स्थानीय बच्चों को वो प्रशिक्षित करे और बाद में जब तक इंडस्ट्री खड़ी हो उनको रोजगार वहां मिल जाए, तो लोकल बच्चों को भी रोजगार मिलेगा। देखिए, मध्य प्रदेश की जो विशेषता है, लैंड बैंक हमारे पास तैयार है। आज भी 1,22,000 एकड़ जमीन अलग अलग हिस्सों में जो चिन्हित है, अगर आपको चाहिए तो आपको 1 महीने के अंदर हम दे सकते हैं, और एक क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे पास लैंड के पीसेस हैं। ये भी जरूरत नहीं कि आप मध्य प्रदेश आके उन जगह घूमे, अगर पसंद आ गया तो फिर जाके देखे आए आप। तो नंबर एक, जमीन की सबसे पहली आवश्यकता होती है उद्योगों के लिए, मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। कंपेरेटिवली अगर देखें तो सस्ती उपलब्ध है, मुंबई पुणे के मुकाबले अगर आप देखेंगे कास्ट की बात। तो ऑटो इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल और आईटी सेक्टर, दोनों क्षेत्रों में पुणे ने काफी प्रगति की है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की कई इंडस्ट्रीज की उपस्थिति मध्य प्रदेश में भी है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर से लोग यहां आना चाहते हैं, विशेषकर ईवी के क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल व्हीकल लोगों ने रुचि भी दिखाई है, जमीन भी मांगी है। हमने 300 एकड़ जमीन आरक्षित की है ईवी पार्क के रूप में, क्योंकि भविष्य इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, चाहे टू व्हीलर हो, ऑटो हो, फोर व्हीलर हो, तो बड़ी संख्या में लोगों ने रुचि इसमें दिखाई है।